हजारों लोगों की फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन केक रस। तो एक साल पहले मैंने केक रस की रेसिपी बनाई थी ओवन में, तो उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए। तो उसमें से हजारों लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें विदाउट ओवन केक रस बनाना सिखाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको विदाउट ओवन केक रस बनाना सिखाऊं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो आपके केक रस खराब हो जाएंगे। आज हम बना रहे हैं विदाउट ओवन केक रस। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप मैदा, 1/2 कप हमें पाउडर वाली चीनी चाहिए, अंडे हमें चाहिए 3 अदर, मक्खन चाहिए हमें 100 ग्राम, कप में होगा 1/2 कप, बेकिंग पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, येलो कलर चाहिए हमें चुटकी भर, वनीला एसेंस चाहिए हमें 1/4 टीस्पून। केक रस का बैटर तैयार करने से पहले हम पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, मतलब गर्म होने के लिए। पतीले के नीचे हमने नमक भी छा लिया और कोई सा भी जाली स्टैंड रख लिया, जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख दे और उसे कवर कर दे और उसे मीडियम फ्लेम पे आप प्री हीट होने के लिए रख दें जब तक हमारा बैटर नहीं तैयार हो गया। सबसे पहले हम मैदे में बेकिंग पाउडर को शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे इसे। तो ये मिक्स हो गया, इसे एक साइड पे कर देंगे। बैटर तैयार करने के लिए एक बोल लेंगे, इसमें बटर डाल देंगे। अब इसे हम हीट करेंगे लो स्पीड पे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो ये बीट हो गया, अब इसमें हम ये पाउडर चीनी डालेंगे और उसे बीट करते जाएंगे। मीडियम स्पीड पे हम इसे बीट करते जाएंगे। سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अब केक मोल लेंगे, केक मोल लेंगे उसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो खाली मोल से ग्रीस कर लेंगे। अब सेट कर लेंगे। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है, इसमें डाल देंगे बैटर سبحان الله العظيم 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 अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्पंज हमारा ठंडा हो गया, अब इसे निकाल लेंगे, बटर पेपर उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से काटेंगे, इस तरह
सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आप देख सकते हैं इसी तरह हमारे केक रखे होंगे, इस तरह की आप मोटाई रखें, इतनी आप केक रस्ट मोटाई रखें, तो इस तरह हम काटेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले केक रस्ट बनाना सिखाया है, मैंने उसी तरह बनाया है, लेकिन मैंने ओवन में नहीं पतीले में बनाया। तो इसी तरह हम सारे काट लेंगे। अब इस ट्रे में हम बटर पेपर रखेंगे, अगर बटर पेपर नहीं है तो परेशान मत हो, आप ऐसे भी रख सकते हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। तो ये तैयार है बेक होने के लिए, 10 मिनट हम इसे एक साइड देंगे, 10 मिनट दूसरी साइड देंगे, इसी तरह हम इसे बेक कर लेंगे। ये स्पंज को हमने ठंडा करके ही काटा है, ऐसे नहीं काटा, अगर ऐसे काटेंगे तो ये टूट जाए। ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम फिर से दोबारा बेक करेंगे। तो मैंने भरा पतीला लिया है, इसलिए इनके मैंने केक रस की कटिंग करके उसे फिर से हमने बेक करना है, उस पर कलर डालने के लिए। हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम उसे पलटेंगे, दोनों तरफ उसको कलर आएगा और वो केक रस तैयार हो जाएगा। उसके लिए मैंने फिर से नमक बिछाया और एक जाली स्टैंड रखा है, जाली स्टैंड नहीं है तो सील का बर्तन रखें। इस ट्रे को हम इसके अंदर रख लेंगे और इसे कवर कर लेंगे। 10 मिनट बाद हम फिर उठाएंगे कवर और इसे चेक करेंगे उसकी साइड चेंज करके, और फ्लेम आप मीडियम टू लो रखेंगे। 10 मिनट हो गए, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, तो एक एक केक रस को उठा के इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसका भी हो गया। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। और इसी तरह हम इसे कलर देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। तो मैं तो हाथ से इसको चेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी चीज़ की मदद से कर सकते हैं, और एहतियात से करें, आपके हाथ ना जल जाएं और बच्चों को बिल्कुल ना करने दें ऐसा काम। तो ये देखें कलर आ गया, और ये वाली साइड है जिसपे कलर नहीं आया, क्योंकि हमने पतीले पे बनाया है तो इसलिए इसपे कलर नहीं आया, तो इसको भी हम कलर दे दें। तो ये विदाउट ओवन बन रही है तो इसलिए इसका कलर इक्वल नहीं आ रहा, तो परेशान मत हो, पतीले में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन कलर का मसला होता है तो कलर का मसला नहीं, आपने तो खाने ही है, कलर थोड़ी देखने हैं। टेस्ट में बिल्कुल ये ओवन जैसे ही होंगे, सिर्फ कलर का मसला है। हम इनको कलर दे देंगे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में अच्छा सा कलर आ जाएगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। तो 5 मिनट हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। परेशान मत हो जिनके पास ओवन नहीं है, आप भी पतीले में बहुत ही मजे के बाजार जैसे केक रस बना सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। ये तैयार है, थोड़े से इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, आप इसे अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद ये खस्ता हो चुकी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में रखते जाएंगे तो आवाज़ सुन सकते हैं आप, कैसी खस्ता आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है ये बहुत खस्ता तैयार किए हैं। कौन कहता है कि ओवन के बगैर हम केक रस नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, मैंने आपको बना के दिखाए, आप भी इसे ज़रूर बनाएं। तो तैयार है हमारे विदाउट ओवन बने केक रस, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी खस्ता है, ये बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के। आप इसे अच्छे से ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही।